नेतन्याहू को किसने दिया झटका? इजराइल हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड नेशन की टॉप कोर्ट ने नेतन्याहू को अपने एक ऐलान से टेंशन में ला दिया है। यूएन की शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलिस्तीनी कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति गैर कानूनी है। यूएन की कोर्ट ने 57 साल पहले इसराइल के इस क्षेत्र में कब्जे की व्यापक निंदा की है। आईसीजे ने कहा फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर दशकों से इसराइल का कब्जा है, जिसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। The court considers that the violations by Israel of the prohibition of the acquisition of territory by force and of the Palestinian people's right to self-determination have a direct impact on the legality of the continued presence of Israel as an occupying power in the occupied Palestinian territory. The sustained abuse by Israel of its position as an occupying power through annexation and an assertion of permanent control over the occupied Palestinian territory and continued frustration of the right of the Palestinian people to self-determination violates fundamental principles of international law and renders Israel's presence in the occupied Palestinian territory unlawful. With regard to the court's finding that Israel's continued presence in the occupied Palestinian territory is illegal, the court considers that such presence constitutes a wrongful act entailing its international responsibility. It is a wrongful act of a continuing character, which has been brought about by Israel's violations through its policies and practices of the prohibition of the acquisition of territory by force and the right to self-determination of the Palestinian people. Consequently, Israel has an obligation to bring an end to its presence in the occupied Palestinian territory as rapidly as possible. ICJ ने बुलाई थी बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसराइल की कब्जे की नीतियों पर भी कानूनी स्पष्टता मांगी थी। आईसीजे के प्रेसिडेंट और जज ने कहा कि इसराइल की फिलिस्तीनी क्षेत्रों में उपस्थिति पूरी तरह अवैध है। नेतन्याहू ने दी प्रतिक्रिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आईसीजे की राय को झूठ का फैसला बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा यहूदी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे, ना ही वो राजधानी यरूशलम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही अन्य इलाकों में। नेतन्याहू ने शुक्रवार 19 जुलाई 2024 को गाजा में रफा क्रॉसिंग का अचानक दौरा किया। नेतन्याहू ने पूरे गाजा मिस्र सीमा पर इसराइल के नियंत्रण को बनाए रखने की बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम समझौता होने के बाद भी रफा क्रॉसिंग पर इसराइल का नियंत्रण रहेगा। हेग में झूठ का कोई भी फैसला सत्य को नहीं झुठला सकता और इसराइली बस्तियों की वैधता पर भी विवाद संभव नहीं। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकांश वक्ताओं ने इसराइल से कब्जे को समाप्त करने का आग्रह करते हुए खतरे की चेतावनी दी।